अखिलेश के राज में गुंडा थे, मोदी और योगी के राज में जो गुंडागिरी करेगा सब जाएगा काशी। हाँ, ठीक है। हाँ, मोदी और योगी, हाँ, ये दोनों सबको जितना गुंडा देखे माफिया है सबको इसमें हटा रहे हैं, साइड में, सब साइड में हो जा रहे हैं। हाँ। सातवें और अंतिम चरण का जो मतदान होना है बनारस में होना है, यानी काशी विश्वनाथ, बाबा विश्वनाथ की नगरी और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संसदीय क्षेत्र। हमारी टीम जौनपुर से होते हुए बनारस के लिए निकल रही थी, तो हम एक बनारस जिले में ही हैं, पिंडारा विधानसभा क्षेत्र है, नहीं पिंडारा नहीं, पिंडरा, पिंडरा, पिंडरा विधानसभा क्षेत्र में। तो ये विधानसभा क्षेत्र जो पिंडरा हाईवे किनारे है, तो एक होटल था, तो यहाँ पर हमने कहा कुछ बुजुर्ग व्यक्ति थे इनसे चर्चा की जाए, क्योंकि हम जाना चाहेंगे जब नरेंद्र मोदी जब से प्रधानमंत्री बने हैं क्या बदलाव आया है। सबसे पहले दादा ये बताइए कि जब नरेंद्र मोदी यहाँ से सांसद बने हैं तो उसके बाद क्या बदलाव आया यहाँ पर? बहुत सफाई सुथरा सब कुछ, मतलब राशन पानी सबको मिल रहा है ऑनलाइन। पहले दादा ऐसा मिलता था? नहीं, पहले नहीं मिलता था। नहीं, क्या व्यवस्था है आप बताइए, आपके साथ क्या आसानी हुई अब? देखा साहब, हम ईमानदारी बतावत है। हाँ। हमारे बाल बच्चा नहीं है। हाँ। और तन के नाम कार्ड बनत रहे। हाँ। हमार कुछ नहीं है और न सरकार से हम एक पैसा ले ही ला। हाँ। जौन विधाता देने वही में अपन गुजर बसर कर। बिजली के बारे में भी आप कुछ कह रहे थे हमसे। हाँ, पहले सब सूत जाए तो लाइन आवे, लाइट आवत रही। हाँ, अब तो 2400 घंटा लाइन है। 2400 घंटा। हाँ। अच्छा, विधानसभा चुनाव की बात कर लेते दादा। हाँ। तो माहौल क्या है आपके यहाँ, कौन सी पार्टी ज्यादा टक्करवार है पिंडरा में? पिंडरा में साहब एतुआ बहुजन हो, बहुजन समाज पार्टी। हाँ। टक्कर में है। हाँ, पटेल है ना। अच्छा, पटेल है। हाँ। तो बहुजन समाज पार्टी कौन है? बाबूलाल पटेल। बाबूलाल पटेल। तो सबसे ज्यादा यहाँ मतदाता किस बिरादरी के हैं? पंडित है, पंडित लोग हैं। अच्छा, पंडित लोग हैं। तो आपको लगता है कि बहुजन समाज पार्टी यहाँ पर भारी है? हाँ। अच्छा, भारतीय जनता पार्टी क्यों नहीं? ऐसा हाँ। बात है ना साहब कि जातीयता समीकरण हो चल, जातीयता समीकरण यहाँ पर। तो आपको नहीं लगता क्या भारतीय जनता पार्टी में विकास हुआ है? हाँ? भारतीय जनता पार्टी की सरकार में, योगी आदित्यनाथ की सरकार, विकास नहीं हुआ क्या? हमें तो ना ही कुछ देखा है। हाँ। अब यहाँ जाइ जहर देखी ला, वह सब रोड है, रोड इतना सफाई एतुआ सुथरा सब कुछ, और पैसा भी देलन, रिंग रोड बनल रहा, रिंग रोड बनल। तो नाराजगी का है भाजपा सरकार से आपकी? हमसे ना ही बा। हाँ। और सबसे भले हो हमसे ना ही। तो तुम तो कहा थी बहुजन समाज पार्टी की सरकार बनने जा रही है बीएसपी। अरे तब हम तो भगवान भाई ना ही उनका सबका मुड़िया दे के घुमा दे। चलिए, अच्छा, आप सपोर्ट उनको कर रहे हैं। दादा एक हमारे साथ और हैं। दादा आपका नाम क्या है? बेचू राम। आप के हिसाब से क्या माहौल है यहाँ का पिंडरा का? पिंडरा का माहौल त्रिकोणी लड़ाई है। त्रिकोणी लड़ाई किसके किसके बीच में? लाल या बाबूलाल पटेल और राजेश पटेल। हाँ। और अजय राय। तो ये अभी जो कह रहे थे कि बीएसपी फाइट कर रही है यहाँ पर, क्या बात लगता है आपको? बीएसपी फाइट इसलिए कर रही है कि अगले चुनाव में दूसरे नंबर पर लाल या बाबूलाल पटेल थे। हाँ। विधायक कौन बना था किस पार्टी का यहाँ से? यहाँ से विधायक बने थे कमल। इस बार उनकी स्थिति क्या है कमल की? इस बार अच्छी नहीं। कारण क्या है? अब अच्छी तो उस समय भी नहीं थी, लेकिन मोदी जी के नाते जो है निकल गए। निकल गए। नाम क्या है इधर आइए। मेरा नाम राहुल पाठक है। राहुल पाठक जी। जी दादा, आपके हिसाब से माहौल क्या है यहाँ का? मेरे हिसाब से तो माहौल सब सही है, चल रहा है। सही चल रहा है। किसकी टक्कर है आपके साथ? मैं देखिए योगी। योगी दादा बता रहे हैं, अखिलेश आ रहे हैं। अब सबकी सोच, जिसकी जैसी इच्छा, जो जिसको दे जिसकी सुख, लेकिन हम तो योगी को जिताने चाहते हैं। योगी का किस लिए? योगी आखिर क्यों? देखिए, हमारे हिसाब से तो ये है कि ये रोड जो बन रहा है, बना है, यह मोदी के पहले किसी के राज में दिखा नहीं। हम लोग को चलने फिरने के लिए भी परेशानी था, ठीक है, रोड वगैरह नहीं था। जो ज़मीन का 1-1.5 लाख रुपया बिस्सा था, अभी मोदी और योगी उसका दिए 7.5 लाख 8 लाख रुपये बिस्सा दिए हैं। हमको फायदा ही है ना, हमको वहाँ से रोड पर जाकर बस पकड़ना पड़ता था पिंडरा से, अभी हमारे पास से पकड़ के निकल जाएंगे। हाईवे है, हर चीज़ की सुविधा हमें है, तो हमको योगी सरकार और मोदी सरकार ही अच्छा लग रही है, तो हम उनको ही जिताना चाहेंगे। दादा अच्छा कहे नाराज है, क्या बात है अखिलेश? दादा अखिलेश इसलिए है कि ये मान लो काजन कांग्रेस की तरफ से हैं, ठीक है, अरे सॉरी अखिलेश की तरफ से वही है,
ये अखिलेश को जिताना चाह रहे हैं और हम योगी। अच्छा, आपके विधानसभा में भारी कौन है पिंडरा में? मेरे हिसाब से तो देखिए अजय राय चल रहे हैं। अजय राय किस पार्टी से? कांग्रेस से। कांग्रेस से ना, कांग्रेस से। भाजपा यहाँ भारी नहीं है? भाजपा भी भारी है, कांग्रेस और भाजपा दोनों में ही लड़ाई है। तो दादा अखिलेश की बात कर रहे हैं? चलिए आप बोलिए। ठीक है, इनकी जैसी इच्छा। मोदी जी के आने से क्या बदलाव हुआ यहाँ पर? मोदी जी के देखिए आने से हमको बहुत सब समय में आ रहा है, सब सिस्टम सही है पहले से, अभी और अच्छा लग रहा है। बनारस सिटी भी देख लीजिए पहले कैसा था, अभी कैसा, मोदी योगी राज में सब कैसा हो रहा है। प्रधानमंत्री का संसदीय क्षेत्र है। हाँ, तो इसीलिए ना हम उन्हीं को जिताएंगे। हम यही सोच, भाजपा को वोट दिए थे, भाजपा को जिताएंगे हमेशा, चाहे कोई भी बिरादरी का खड़ा हो, भाजपा हमको उससे लेना देना नहीं है। हाँ। ठीक है, कोई भी कास्ट का हो, मगर हम वोट देंगे तो भाजपा को ही देंगे। भाजपा को देंगे चाहे खुलेआम। अच्छा। हाँ, खुलेआम बोलता हूँ, भाजपा को वोट दूंगा चाहे कोई बिरादरी का खड़ा हो भाजपा से। हाँ। हमको बिरादरी से लेना देना नहीं है। हाँ। हमको जो काम करेगा, देश का विकास करेगा, हम उसको ही जिताएंगे, उसको ही देश के लिए। सपा वाले विकास नहीं करत का? सपा वाले को तो हम जानते ही नहीं है। हाँ, सपा से हमको लेना देना कुछ नहीं है। हाँ। अखिलेश के राज में हमको क्या मिला? कुछ नहीं मिला है। हाँ, अखिलेश के राज में, अखिलेश तो कहा था कि भाजपा सरकार में गुंडा राज ज्यादा क्या इमा? अखिलेश के बोल रहे हैं भाजपा में गुंडा है। अखिलेश के राज में गुंडा थे, मोदी और योगी के राज में जो गुंडागिरी करेगा सब जाएगा काशी। हाँ, ठीक है। हाँ, मोदी और योगी। हाँ, ये दोनों सबको, जितना गुंडा देखिए माफिया है सबको इसमें हटा रहे हैं, साइड में सब साइड में हो जा रहे हैं। हाँ, ठीक। हाँ, और अखिलेश के राज में तो एक से एक गुंडा थे और अभी भी मान लो उनका राज चलेगा तो और होंगे। अच्छा, तो इसलिए हम सोचते हैं अखिलेश का राज नहीं आए तो ही अच्छा है। गुंडा सब कहाँ चले गए? सबको मोदी साइड में लगा रहे हैं ना। अच्छा। हाँ, सबको सबको साइड में लगा रहे हैं। अब बुलडोजर का बाबा, बाबा बुलडोजर वाले हो गए, यह क्या बात है? वो भी देखो, बोलिए बताइए, कोई दिक्कत नहीं। बुलडोजर का नाम सुने नहीं? नहीं नहीं, बाबा बुलडोजर बता रहे, बुलडोजर हर सभा में खड़ी रहते योगी जी के। होगा किसी गुंडा उंडा को ढकेलने के लिए रखे होंगे। अच्छा, जानकारी लेकिन बोल नहीं रहे। चलिए दादा हमारे साथ हैं। दादा आपके नाम क्या है आपका? छब्बूराम। क्या माहौल है दादा आपके हिसाब से? हमारे हिसाब से बेटा कब से मोदी जीत रहे हैं? मोदी जीत रहे हैं। मोदी जी, मोदी आपके ही उम्र के हैं, अखिलेश यादव बता रहे हैं ये। अरे छोड़िए, कब से मैं मोदी को पसंद करता हूँ। क्या है मोदी में अच्छा, योगी मोदी में? मोदी जो है कब से जितना किए हैं काम सब मोदी किए हैं। हाँ। अब तक कौन क्या किया है भाई, जो करेगा उसी को नाम लेंगे। अखिलेश यादव भी समाजवादी पार्टी से 5 साल मुख्यमंत्री थे, तो वो अपने का से चचा के देखें कैसे, शिव का नाम है उसका भाई, चाचा उनके कौन हैं? शिवपाल चाचा। शिवपाल, शिवपाल का से जौन बाटे का से अधिकांश स्तर का से जौन बाटे शिवपाल का से काम कैलन, अखिलेश का कैलन काम तो कैसे वो करते थे शिवपाल। अब तो चाचा नाराज हो गए थे, फिर बीच में शायद साथ आ गए हैं। आए चाचा साथ में तो आ गए इस बार तब भोगी हैं। अच्छा अच्छा, जो ये गठबंधन किए हैं राजभर वगैरह से, ओम प्रकाश राज वगैरह, कितना फायदा करेगा? अरे अब उन सब के विषय में हम नहीं जानते बेटा, हम ना पसंद करते हैं। हाँ। हम नहीं देंगे। हाँ। आप किसके साथ हैं? मोदी के साथ हैं, योगी के साथ। अच्छा, क्या आपको लगता है योगी बैक कर रहे हैं? दादा ने बताया अखिलेश यादव आ रहे हैं। अरे भाई अब उनकी बात है, लेकिन मेरी बात तो सुन रहे हो। आपकी उनकी उम्र में कितना अंतर है? नहीं, उम्र की बात छोड़ो बेटा। हाँ। हमारे कहने का मतलब हम पसंद करते हैं। अच्छा, तो सरकार किसकी बन रही है आपके हिसाब से? मोदी की बनेगी। बनेगी बिल्कुल 100%। बिल्कुल। जब से बनारस के सांसद हुए क्या बदलाव नजर आया आपको बनारस में, काशी में? ऐसा है कि बनारस में जो मोदी ने किया है, संसदीय क्षेत्र था उनका, जितना हुआ है सबका से मोदी के एथवा में हुआ है। बदला बदला नजर आ रहा है कि नहीं बनारस? बिल्कुल बदला आया है। अच्छा, अब समझ लो कि काशी विश्वनाथ मंदिर वगैरह का से कॉरिडोर वगैरह सब जो है कैसे मोदी के समय में बना सब। अच्छा, तो आपको लगता है कि सरकार बाबा की आएगी? बिल्कुल आएगी, कोई दिक्कत नहीं सब मिल रहा? कोई दिक्कत नहीं। जानवरों जो खेत उच्च रही तो अब जो उन बाटा का से जे गाय रख ले हो, अब वो गाय वाले जाने, कोई दिक्कत नहीं आपको? नहीं। चलिए, दादा का माहौल है कि यहाँ पर भाजपा बता रहे हैं। दादा हमारे साथ हैं। दादा आपका नाम क्या है? मेरा नाम राम लखन। राम लखन, क्या माहौल है दादा आपके यहाँ? ठीक है,
किसकी टक्कर लग रही है आपके यहाँ पिंडारा में? पिंडारा में टक्कर लगे मोदी का। मोदी? हाँ। क्या बात है, मोदी यहाँ के सांसद इसलिए कर रहे हैं या फिर उनके विकास को देखकर? अरे भाई का विकास देख के सब कर रहे हैं। खुश हैं आप योगी की सरकार से? हाँ ठीक है। आप एक दुकान पर दो लोग बताओ तो अखिलेश यादव अभी आ रहे हैं। और भाई देखा था दो पहलवान कूदियाँ तो लड़वा कर यहाँ टक्कर ली है न। पिंडरा में माहौल किसका टाइट है? पिंडरा में टक्कर है मोदी का है। मोदी का है? माहौल ठीक है? माहौल ठीक है। अच्छा काहे लिए योगी? हाँ? मामला का है, काहे के लिए योगी बाबा? मोदी किस लिए? अरे भाई लोग का काम ऐसा हो। सपा वालों का? सपा वाले काम जैसा कहले वाली सर पहिया जे। अच्छा हाँ? तो टक्कर में है यहाँ पर भाजपा? हाँ भाजपा। सरकार आपके साथ किसकी बन रही प्रदेश में? इसकी मोदी का। मोदी बनेगी 100%। चलिए एक भैया हैं, देखो एक दादा लोग और आगे। दादा आइए आपसे बात कर लेते हैं। क्या नाम है आपका? समूनाथ पांडे। पांडे जी क्या माहौल है दादा यहाँ का पिंडरा का? माहौल तो ठीक ही बैठे, माहौल ही है, गाड़ी वाले कोनो परेशानी हर जगह बाटे भाई। बड़ी गाड़ी जब चलावा तब छोटी गाड़ी वाले माने वाले ना केका ओढ़ दे, जब ओढ़ दे केका जब गाड़ी गाड़ी के कोनो हाल होए तब। अच्छा ओकरे पहले ना नदी तो आप चाहे होगी आवे चाहे मोदी आवे। हाँ। अगर हमार सब ड्राइवरी करता है हमार सब अगर सुनवाई हो तब तो ओढ़ देव ना इतना दे बहिष्कार कर दो मतदान। हाँ काहे दिक्कत का है आपका? दिक्कत यही है छोटी गाड़ी वाले माने वाले ना इन्हें उनका हाथ दर्द गरिया होता है। अरे तो वो तो गाड़ी वाले दिक्कत है, सरकार का करे? अरे सरकार को सब कुछ है, सरकार गलती माने चाहे छोटी गाड़ी गलती करे बड़ी गाड़ी गलती करे। अब हम गरीब मनाई, अब हम गरीब मनाई 1500 रुपये कमाए वाले। अच्छा चलो आपकी गाड़ी की बात हो गई। पिंडरा में माहौल क्या है आपके हिसाब से? पिंडरा में जगह भाई हमारे घर प्रतापगढ़ जिले है राजा भैया गाँव। अच्छा तुम प्रतापगढ़ के? चलिए बात छोड़िए भैया, आप हमारे साथ हैं अभी समोसा तल रहे थे। हाँ चलिए आपसे बात भी कर लेते हैं, आप किराया भी जरूरी आप मतदाता हैं। चलिए भैया समोसा तल रहे थे भैया, पहले नाम बताइए अपना। प्रेमचंद। प्रेमचंद जी कहाँ रहने वाले हैं? यही मनापुर के। मनापुर विधानसभा पिंडरा। पिंडरा क्या माहौल है भाई साहब आपके हिसाब से? यहाँ माहौल ठीक है। किसका? यहाँ माहौल सबका सही है। सबका सही है? यहाँ प्रधानमंत्री का संसदीय क्षेत्र है। हाँ है यहाँ पर, लेकिन यहाँ पिंडरा में बैकवर्ड यहाँ पर है, पटेल जाति संख्या अधिक है। यहाँ पर बाबूलाल भी लड़ रहे हैं, कांग्रेस भी लड़ रही है, अजय राय भी लड़ रहे हैं और भाजपा भी लड़ रही है। ये नहीं की एक तरफा वोट है, सबके वोट मिल रहा है यहाँ पर। लेकिन टक्कर किसकी ज्यादा अच्छी लग रही दिख रही है? यहाँ पर तीनों पार्टी लड़ रही है, चारों पार्टी लड़ रही है यहाँ पर। भाजपा का माहौल क्या नजर आ रहा है यहाँ पर? भाजपा भी ठीक उठ पा रही है। अच्छा भाजपा भी ठीक पा रही है और बाबूलाल भी पटेल वाले हाथी से और अजय राय भी पा रहे हैं कांग्रेस से। माहौल टक्करदार है। हाँ अच्छा प्रदेश में किसकी सरकार बन रही है आपके हिसाब से, क्या माहौल है यहाँ पर? आपके प्रत्येक बता सकते हैं यहाँ क्या पिंडा बता? आप होटल चलाते हैं तो कई लोग आते होंगे यहाँ बैठते होंगे, क्या आप चर्चा होती है? पिता से रखते हैं हम, चक्कर घड़ी घंटा के लाते हैं। अच्छा घर चले आते हैं तो दादा माहौल क्या लगता है आप जो यहाँ बैठे? माहौल ठीक है भाई। किसका चर्चा, किसी से चर्चा होती होती है? भाजपा का। भाजपा। चलिए तो ये हम पिंडरा विधानसभा में काशी विश्वनाथ यानी बनारस की नगरी पहुंच चुके हैं यूपी टीवी की टीम।